Why? So what is the speciality of horse? Speed, stamina, and strength. Okay. So अश्वावडिव में जो जो benefit एक एक घोड़ा जो करता है, एक horse जो करता है, we in Kalari we try to do that same thing in with the human body. तो हमें कैसे करना है? तो अश्वावडिव is very simple. कोई ज़्यादा इतना tough नहीं है, ठीक है? When you practice animal postures या animal movements, you have to become that animal. इसका मतलब ये नहीं है करके घोड़े की आवाज़ देखा वही चीज करेंगे जो जरूरत की है, ठीक है? आवाज़ें नहीं निकालनी है, राइट वेयर पीछे वालिंजा मर्द एवरीवन पीछे रखो एंड दिस बोथ हैंड्स विल गो डाउन हियर एंड चिन अप इसको बहुत दूर नहीं करना, पास ही रखना है ऐसे एंड पीछे वाला और चिन को ऊपर करो और इसको करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि आपके जो पीछे आगे जो पैर है उसी के सीधे पीछे पीछे वाला पैर होना चाहिए थोड़ा और इधर ठीक है बॉडी का हिप किसी का आउटर में नहीं जाना और आगे देखो पूरा ऊपर स्पाइरल सीधे हिप्स डाउन मोर स्ट्रेस डाउन मोर यस देखो आगे यस बॉडी बिल्कुल सीधा रखो एंड लुक अप ठीक है ये जो पोस्चर है दिस इज व्हाट अश्वावडी पोस्चर क्लियर अब इस पोस्चर में हम लोग मूवमेंट कैसे लेंगे बैठ के सुनो स्टे देयर बैठ के सुनो इट्स वेरी टफ इज दिस टफ हां अब हम देखो खड़े हो जाओ चलो ठीक है टफ है बस हम एक पोस्चर में तो गए टफ हो गया सो व्हाट हियर सबसे पहले व्हाट वी लर्न इन व्हेन वी प्रैक्टिसिंग एनिमल पोस्चर्स सबसे पहले वी लर्न पोस्चर कि व्हाट इज द करेक्ट पोस्चर ऑफ दैट बॉडी देन सिस्टमेटिकली व्हाट वी डू अ मूवमेंट फ्रॉम देयर फर्स्ट वी लर्न पोस्चर ऑफ दैट एनिमल एंड देन वी गो टू द मूवमेंट ऑफ दैट बॉडी क्लियर एंड आफ्टर दैट व्हाट वी डू द अटैक्स और द सेल्फ डिफेंस मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल पोस्चर दिस इज द वे We learn three step. What ifs. Clear. अब इसके movement में जाते हैं हम लोग तुम आ जाओ उधर अश्वावडी में जाओ ध्यान से देख रहा है इसको उधर मुड़ राइट पर पीछे ठीक है पूरा हाथ पीछे तो ये हो गया भैया आपका क्या पोस्चर ठीक है ये बहुत ज़्यादा नीचे को धकेलना नहीं ठीक है चिन अप करो ये ऐसे होना है ठीक है ये हो गया आपका पोस्चर अब इसका कमांड क्या आ जाता है यहाँ पे यू नो दैट कि कलरी पैड पे सब चीजें कमांड से ही होता है राइट देयर इज ए पर्टिकुलर कमांड फॉर एवरी एक्शन व्हाट वी डू इन कलरी पैड ठीक है तो अश्वावडिव का भी कमांड होगा कि नहीं होगा ठीक है तो अभी ये कौन से पैर ये इसमें क्या है ये वालिंज अमर्द है दिस पोस्चर इज कॉल्ड वालिंज अमर्द ठीक है वालिंज अमरन बस इतना ध्यान रखना आप ठीक है अब इसमें क्या होगा जो कमांड आएगा अभी कौन सा पैर पीछे है इसका राइट तो व्हाट आई विल गिव द कमांड वलद वालिंज अमरन वलद इज राइट तो वलद वालिंज अमरन का मतलब क्या हो गया कि यू हैव टू डू सम एक्शन विद योर राइट तो वलद पैर को उठा के आगे रखना है या आगे रख के स्ट्रेच में जाना है उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वलद वालिंज अमरद को राइट पैर उठा के आगे रख के स्ट्रेच पोस्चर में जाना है तो व्हाट वी गोइंग टू डू हियर नाउ अश्वावडिव का मूवमेंट किस तरीके से अश्वावडिव मूव करता है तो वलद वालिंज अमरद पे क्या होगा राइट पैर उठा के आगे रखेगा ये क्यूकली राइट पैर उठा के आगे रखो ये देखा आपने तो ये राइट पैर जब उठा के आगे रखा तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है लेफ्ट पैर ये लेफ्ट पैर को आपको इधर उधर स्किड नहीं करना है अब राइट पैर को दोबारा वापस पीछे रखो राइट को आगे रखो समझ में आया तो दिस इज अ नॉर्मल वे आगे पीछे जाना आपको समझ में आ गया ठीक है अब इसमें खड़े हो जाओ बेटा आप अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि आप जब थोड़ा पीछे जाओ आप जब आगे जाते हो व्हाइल यू आर ऑन दिस पोस्चर ठीक है
एंड व्हेन यू गो इन फ्रंट तो क्या होता है, जब यहाँ से जब आगे जाते हो तो ये आपका दोनों हाथ इस वाले एंकल में, इस वाले पोस्चर में आ जाता है, समझ में आया? ये आपको बताइए राइट इन एंड लेफ्ट आउट. सो व्हाट वी डू हियर फ्रॉम हियर, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे दोनों हाथ को इधर रख के, ऐसे रख के ही हम लोग ये सिर्फ आगे जाते हैं. पीछे जाएंगे तभी ये करेंगे, नहीं पीछे जब जाएंगे तो अगर सपोज मेरा राइट पैर आगे है तो जब हम पीछे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड विल गो टू योर चेस्ट एंड राइट हैंड विल गो एंड प्रोटेक्ट योर हेड दिस वे, दिस वे इट गोज बैक. ठीक है, इसको पूरा ये वाला पोर्शन ये आगे लेके आना है. ठीक है, तो यहां से ये ऐसे आएगा, आगे जाएंगे तो क्या होगा ज्योति, दिस वे एंड दिस वे. पीछे जाएंगे तो इस तरीके से हम पीछे जाएंगे. अगर हम लेफ्ट से पीछे जाएंगे तो क्या होगा, राइट विल गो टू योर चेस्ट एंड लेफ्ट हैंड. क्लियर? ये सिर्फ जब आप पीछे जाओगे उसको, जब पीछे जाओगे तो जब आगे जब जाते हैं तो क्या कमांड होता है बालू, वालिंग अमर्थ. पीछे जब जाओगे तो क्या कमांड होगा मैम, वेरी गुड, वांगी अमर, वांगी. फ्रंट जाएंगे तो वालिंग अमर, बैक जाएंगे तो वांगी अमर. क्लियर कुणाल, लेटेंगे पूरा पीछे करने की जरूरत भी नहीं है. अगर पूरा पीछे कर भी लिया तब भी कोई गलत भी नहीं है. कलरी पैड पे हर कलरी में थोड़ा सा एक्शन डिफरेंट हो जाता है, बट सिस्टमेटिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप जो है यहाँ से ये पीछे यहाँ पे लेके आ रहे हो या यहाँ लेके जा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, वी आर चुकली प्रोटेक्टिंग हर हेड, दैट्स इम्पोर्टेंट. That's important. This is the important portion कि आप नीचे से जब उठ रहे हो, जब suppose कोई attack आ रहा है ऊपर से, कोई मार रहा है आपको, कुछ भी कर रहा है, जो नीचे आप हो तो आपको ये यहाँ से protection करना ही सिखा रहे हैं. चुपली आप ऊपर जाके नीचे आ रहे हो, तो ये important है यार. इसके बाद आपने यहाँ पे लेके आने के बाद इस हाथ से आप आम तोड़ने भी जा सकते हो, कुछ भी करने जा सकते हो, कोई मतलब नहीं है इतना. मतलब क्या है, ये आना है, लेकिन ये जब आप पीछे जब जाते वक्त आओगे ना, तो ये ध्यान रखना कि ये कंप्लीट जो एल्बो है आपका, इसके अंदर से आपका सर निकलना है. निकाल के दिखाओ एक बार, ऐसे करो, ओपन इट, यस, लेफ्ट से दिखाओ, ये निकाल, तो ये ऐसे करके कहीं से भी मत फेंक देना, ये यहीं से जाएगा ये. ठीक है, क्लियर? ये है, दोबारा से नीचे नीचे से ही जाने की कोशिश करो, नीचे से ही निकलो, ज्यादा पूरा खड़े होने की जरूरत नहीं. दोबारा करो राजेंद्र, राइट पैर आगे, राइट पैर पीछे, डाउन गो, वालिंग अमर, वांगी अमर. हैंड्स को बेंड नहीं करना, हैंड सीधे, और पास करो हाथों को, पास करो दोनों हाथों को, इस हाथ को, चिन अप, लुक एट, लुक एट एवरीवन, एवरीवन, अभी मैं कराऊंगा सबको. राइट पैर आगे पीछे, ये हाथ इधर इधर ऐसे छोड़ राजेंद्र, ये हाथ को इधर रख के ऐसे गिलमिल गिलमिल नहीं कर, ये सीधा पीछे आएगा बस, वन शॉट में. आगे पीछे, समझ गए? क्या होगा, हाथ दोनों वैसे ही कान पे जाएंगे और लेफ्ट वाला पैर उठा के आगे, एडत वाले जहां पर आगे जाओ, लेफ्ट उठा के आगे रखो. हाँ, ये जो उसने एडजस्ट किया अभी, देखा आपने, एक बार पहले बीच में पैर रखा उसके बाद आगे गया, इज दैट अलाउड? नो, वन शॉट. ठीक है, अब कौन सा पैर आ गया उसका, लेफ्ट. अगर लेफ्ट को पीछे लेके जा रहा होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, एडद वांगी अमर्थ, वांगी मतलब पीछे को जाना, वांगी पीछे लेना, तो एडद वांगी अमर्थ दीपेश. अब क्या गलती किया दीपेश ने, जब लेफ्ट वाला पैर गया कौन सा हाथ यूज किया उसने, राइट हैंड यूज किया, तो कौन सा करना था उसको, लेफ्ट. दीपेश को समझ में आया? यस, राइट वांगी अमर्थ, वांगी, वांगी मतलब पीछे. चलो राइट पैर उठा के पीछे जाओ. हाँ, क्लियर? ये बहुत टफ फॉर्मूला है क्या, कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, खड़े हो जाओ.
यू शेप में किया रहा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो करना क्या है हमें यहाँ पे, ये जो है दिस शुड बी वेरी स्ट्रेट लाइन, गॉट दिस गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन यू गो डाउन दिस शुड बी वेरी स्ट्रेट। ठीक है,